अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। होश में आओ युग, होश में आओ। वो तुम्हारी ताई नहीं है, वो मेरी शगुन नहीं है। मैं हार नहीं मानता, ये भी साबित करके रहूंगा कि वो लड़की प्रीति नहीं है, मेरी ताई है। तेरा दिमाग खेत में घास चलने गया है कि तूने सोशल मीडिया पे अपनी और शगुन की फोटो पोस्ट कर दी और उसका ये आशिक शुभ पूरी दुनिया एक कर देगा प्रूफ करने के लिए कि वो लड़की शगुन ही है। पापा, भैया ने शगुन को उसके नए परिवार के साथ देख लिया, वो पूरी तरह से टूट गए। मैं वहां गई थी। मैं आपसे बात कर रही हूं, आप जवाब क्यों नहीं दे रहे? ठीक है, ये वीडियो किसने बनाया पापा? कहां से आया वीडियो? और किसी के हाथ में लग गया तो पापा? जब तुम सीसीटीवी रूम में गई थी तो मैं वहां पर जाते हुए किसी ने देख लिया, और ये वीडियो हासिल कर लिया। नहीं पापा, तो पापा ऐसा कोई क्यों करेगा? मुझे समझ में नहीं आ रहा है, हम क्या करेंगे पापा? मुझे डर लग रहा है, मुझे जेल नहीं जाना है पापा, मुझे जेल नहीं जाना है प्लीज। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। मैं तुम्हारे पापा यहां है, कुछ नहीं होगा तुम्हें। मुझे डर लग रहा है। अच्छा बेटा, बैठ बैठ बैठ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। ये लो ये लो, पानी पी लो, पानी पी लो। मुझे सोचने दो। हेलो, अब तक अपने काले कारनामे देख लिए होंगे। अगर चाहते हो कि मैं पुलिस तक ना जाऊं तो 10 करोड़ तैयार रखना। पापा, किसका फोन था पापा? पापा किसका फोन था? क्या बोल रहा था फोन में जो था पापा? बताएंगे आप मुझे? मुझे डर लग रहा है। बहुत उड़ रहे थे ना भाई साहब, क्या लगा कि तुम्हारे कोई पर नहीं काट सकता? अब मैं 10 करोड़ भी लूंगी और प्रॉपर्टी में अपना हिस्सा भी लूंगी। पापा मेरा हो गया, मैं जा रहा हूं। आज दवाई नहीं ली तूने? निकी,
पापा मैंने नहीं लेनी। बेटा दवाई लेनी पड़ेगी, पापा जी ने ली, मम्मी जी ने ली, दीदी ने भी ली, तुझे भी लेनी पड़ेगी। भैया जाने दीजिए ना, बच्चा है। बाबू तुम खा लो, भैया कह रहे हैं ना तो जिद नहीं करते, वो अच्छे के लिए कह रहे हैं। और तुम खा लोगे ना तो इसके बाद मैं तुम्हें बहुत अच्छी स्टोरी सुनाऊंगी, ठीक है? पक्की बात? पक्की बात। सुनिए जी। हाँ जी प्रीति जी। वो आपसे एक बात पूछनी थी। पूछिए। आपको हर रोज ये दवाई देते हैं हम सबको, ये दवाई किस चीज के लिए? मैं सोचती मैं हर रोज पूछूंगी पर पता नहीं दिमाग से निकल जाता है, बताइए ना। डॉक्टर मैं हूं या आप? दवाई लेनी है तो लेनी है। अरे प्रीति जी माहौल बहुत खराब है बाहर, हर जगह बीमारियां फैली हुई हैं। आप क्या चाहती हैं? कि दवाई ना ले, बीमार पड़े, अच्छा लगेगा आपको? इसीलिए लेनी पड़ती है। पानी। कनिका कनिका क्या सोच रही हो बेटा, परेशान लग रही हो, क्या बात है बताओ हमें। देखो बेटा अगर मन में सब भरकर जियोगी तो मन भरकर जी नहीं पाओगी। मुझसे शुभ का दुख देखा नहीं जाता, आज वो इस तरह मन में भ्रम लेकर पूरी जिंदगी कैसे जिएगा बताइए। हम जानते हैं बेटा, तुम्हारी बात को समझ सकते हैं। कोई रास्ता तो होगा अम्मा जी, शुभ इस गम के दलदल से निकल जाए। है एक नुस्खा है जो ऐसी परिस्थितियों में हमेशा काम आता है। ऐसा नुस्खा आपने मुझे अब तक बताया क्यों नहीं? बेटा रोशनी याद है तुम्हें? रोशनी? हाँ पर ये क्या नुस्खा है अम्मा जी? बेटा तुम एक काम करो, उनके परिवार वालों को फोन करो और कहो उससे अगर वो आना चाहते हैं तो कल की कल बुला लो। अरे पर अम्मा जी ये कैसा हल करेगा हमारा प्रॉब्लम? अरे हम शुभ के लिए रोशनी का हाथ मांगेंगे। ये रोशनी वही लड़की है ना जिसके लिए हमने शगुन को अपनाया था, इसे ही तो ठुकराया था हमने। हाँ ये वही रोशनी है और यही रोशनी शुभ के दिल के घाव का मरहम बनेगी। शुभ के ठुकराने के बाद बेटा रोशनी ने अब तक शादी नहीं की है। अम्मा जी आपको नहीं लगता थोड़ा जल्दबाजी हो रही है चीजों की? शुभ नहीं, कोशिश तो करनी पड़ेगी ना बेटा, वरना शुभ शगुन के गम में अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देगा। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है बेटा, पूरी कोशिश करनी पड़ेगी। हाँ माँ जी आप ठीक कह रहे हैं, कोशिश करने में कोई अर्ज नहीं है। निकी निकी ये देखो
तुम फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करना चाहती थी ना? ये मुझे कुछ ऑप्शंस मिले हैं, तुम्हें पसंद है ना बहुत? देखो कोई भी कंफ्यूजन होगी ना हम उनसे बात कर लेंगे। मम्मी हा? दीदी के लिए बुक तो मेरे लिए क्या है? तुम्हारे लिए ढेर सारा प्यार। ओए बहुत शैतान हो गया है तू। बहुत प्यार। अरे वाह, मम्मी जी पापा जी ननन भाभी सब गप्पे लड़ा रहे, और मैनू भी शामिल कर दो, थोड़ा मैं भी हंस खेल लूं। ये देखिए ना, निकी को ना फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करने का बहुत मन है, और इसी से ना वो फ्यूचर में आगे बढ़ना चाहती है। चंगी गल है जी। हाँ? हमारी निकी फैशन डिजाइनिंग करेगी, काम करेगी, हमारा नाम रोशन करेगी, है ना? मुझे भी ऐसा लगता है। जिंदगी में ना इंसान को वही काम करना चाहिए जिससे उसका दिल खुश हो। बिल्कुल सही कह रही है जी आप। निकी ये देखो, इसमें ऑनलाइन क्लासेस भी है, ऑनलाइन क्लासेस कर लो, की फर्क पड़ता है? नहीं नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि जब तक निकी कॉलेज नहीं जाएगी, बाकी बच्चों के साथ प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं लेगी, तब तक अच्छे से सीख नहीं पाएगी, तो उसे कॉलेज जाना चाहिए। प्रीति जी आपके और हमारे दिन चले गए, अब जिसको करना है उसको फैसला लेने दीजिए, है ना? हाँ तो निकी तो यही चाहती है ना, है ना निकी? नहीं भाभी, मुझे भी लगता है कि ऑनलाइन ही सही रहेगा, भैया सही कह रहे हैं। अरे नहीं निकी, देखो ये कोर्स इतना आसान नहीं है, जब तक तुम दूसरे बच्चों के साथ अपना काम शेयर नहीं करोगी, उनका काम नहीं देखोगी, तुम जब तक प्रैक्टिकल नहीं करोगी ना सब कुछ समझ नहीं आएगा, बहुत मुश्किल है। ठीक है एक काम करते हैं, आर्गुमेंट का दी एंड करते हैं, एक आइडिया है मेरे पास, एक गेम खेलते हैं। कैसी गेम भैया? डार्ट गेम, जिसमें प्रीति जी ऐसे बीच में खड़ी होगी और मैं उन पर छुरा फेंकूंगा। अगर मैं उसमें सफल हो गया तो ऑनलाइन कोर्स करेगी, और अगर नहीं हुआ तो जैसा प्रीति जी कहे। करण जी ये गेम खेलने की क्या जरूरत है, लग सकती है ना मुझे? जरूरत है जी, बिल्कुल जरूरत है। करण जी नहीं 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 प्लीज। पुत्र जी यार, रत्ती भर के लिए रह गया, वरना जीत जाना था मैंने। अब ये कंजी मुझे लग सकती है, प्लीज प्लीज। अरे प्रीति जी आपको तो चोट लग गई, खून भी आ रहा है आपको तो। इस सब की जिम्मेवार तू है निकी, तेरे शौक की वजह से मेरे प्रीति जी को चोट लग गई है। आइंदा से ध्यान रखी, ऐसी कोई हरकत मत करना वरना मेरे तो बुरा कोई नहीं होगा। प्रीति जी आप फिक्र मत करो, मैं आपके चोट पर मलहम लगा लेता हूं, आप ना बिल्कुल सेफ हो मेरे लाल। अरे अरे क्या? हे भगवान उठिए उठिए उठिए, अब भी इसको ठीक किया था मैंने, आपको पता नहीं है क्या?
लो फिर से। क्या कर रहे हैं आप, उठिए ना। अरे तैयार होके बैठा दिया, अब बता भी नहीं रहे चल क्या रहे। अरे मेहमान आने वाले हैं और क्या बताऊं आपको। कौन सा मेहमान? मैं सब बताती हूँ। हम शुभ के लिए रोशनी का हाथ मांगेंगे। फिर बस और क्या, मैंने उनको फोन किया और वो मान गए। तुमने इतनी बड़ी बात मुझे बताई क्यों नहीं? अरे वक्त ही नहीं मिला, सब इतनी जल्दबाजी में हो गया। शुभ की हालत किससे छुपी नहीं है। इस हालत में कोई नई लड़की, नया रिश्ता, नया परिवार बहुत बुरा होगा उसके लिए। हम टेलिंग यू, मेरी बात मानो, कुछ वक्त दो उसे। अरे आप बात को समझिए। कनिका। हाँ माँ जी। बेटा यहाँ आओ। हाँ माँ जी। धूप कहाँ रखा है बताओ। हाँ यहाँ इस साइड में। आपने इतनी मुश्किलों से शकुन जैसे कांटे को रास्ते से हटाया, अब ये सब। मैं भी वही सोच रहा हूँ। आप इतने शांत नहीं रह सकते। अगर मम्मा और दादी को प्लान के बारे में पता चल गया तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगी। तुम फिक्र मत करो, मेरे रहते हुए ना शुभ की जिंदगी में कोई नई लड़की कभी नहीं आएगी, ट्रस्ट मी। पापा आपने इस मौके का बहुत इंतजार किया, अब कोई बीच में आना भी नहीं चाहिए। जब मेरी अपनी ही बीवी मेरा बना बनाया प्लान चौपट करने पे तुली हुई है तो इंसान करे क्या। पर हमें कुछ तो करना होगा ना पापा, इससे पहले हम ये बाजी हार जाए हमें नया प्लान बनाना होगा। बेटा शर्मा क्यों रही हो, इसे अपना ही घर समझो। दादी आप बैठिए, इन सब की कोई जरूरत नहीं है। आप चिंता मत कीजिए, हमें जो भी लगेगा हम ले लेंगे ना। अरे नहीं नहीं ये तो हमारा फर्ज है। आप बैठिए ना दादी। चलो बैठ जाओ माँ जी, बैठ जाओ। अच्छा अब तो बैठ जाओ तुम। अभी हाल ही में आपके परिवार के साथ जो घटनाएं घटी उसके लिए हमें बेहद दुख है। जी भाई साहब, अब जो हो गया है उसको तो हम बदल नहीं सकते, लेकिन जिंदगी में आगे जरूर बढ़ सकते हैं। इसलिए तो आप लोगों को बुलाया है कि हम मिलकर कोई निर्णय ले सके। ये बात आपने बिल्कुल सही कही। शुभ की शादी के बाद हमारी बेटी ने भी अपनी शादी में कोई दिलचस्पी नहीं ली, इसके दिल में कोई और लड़का आया ही। मुझे तो ऐसा लगता है कि भाग ने भी इन दोनों का साथ लिखा है। सही बात है बेटा, वैसे भी भाग्य के सामने किसकी चलती है। अगर मुझे वक्त में मालूम पड़ गया होता ना तो मैं यह भारत मिलाप कभी नहीं होने देता। पापा मुझे नहीं लगता हमें स्ट्रेस लेना चाहिए, भैया इस रिश्ते के लिए कभी नहीं मानेंगे। वैसे आपके पोते को शादी से कोई एतराज तो नहीं है ना? देखिए इनकी बात का बुरा मत मानिएगा, हम कितनी भी कोशिश कर लें फैसला तो इन दोनों बच्चों को ही लेना पड़ेगा ना। बस इसीलिए हमने ये सवाल कर लिया। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बुरा मानने वाली कौन सी बात है इसमें। हाँ। आपका पूछना जायज है। लल्ला यहाँ आओ बेटा। अरे आओ बेटा। आओ बेटा आओ, आओ आओ बेटा। अरे आप लोग संकोच मत करिए, मैं समझ सकता हूँ इतने बड़े दुख से उभरने में थोड़ा वक्त तो लगता ही है। हमें पता है आप लोग बहुत समझदार हैं, ये तो हमारा सौभाग्य है कि आप हमें समझ रहे। लल्ला ये लड़की को पहचाना? हाँ जानता हूँ। हाँ जानता है वो। आओ बैठो बैठो। अरे आप लोग बैठिए ना, खड़ी थी। हाँ, बैठिए। हाँ। कैसे हो बेटा शुभ?
ठीक हो। ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? हमने बुलाया लल्ला, तुम्हारे लिए, तुम्हारी शादी के लिए बेटा। शादी? तू जिस दौर से गुजर रहा है, अम्मा जी ने सोचा कि अगर ये रिश्ता हो जाए तो बेहतर होगा, समझ रहे ना बेटा? हाँ बेटा। दादी आप बिल्कुल फिक्र मत करिए, कैसा भी वक्त हो मैं हमेशा इनके साथ हूँ। वैसे भी इस रिश्ते के लिए हमारी तो हमेशा से हाँ थी, बस इनकी हाँ का इंतजार था। शुभ, तुम्हें कोई एतराज तो नहीं? क्या हुआ लल्ला? मंजूर है। राधे 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 कविता। आप तो मेरा परिवार है ना? हाँ बेटा। तो आपको कैसे मना कर सकता हूँ? जीते रहो। जरा बुरा थोड़ी सोचेंगे। हमें पता था तू हमसे बहुत प्यार करता है। लो बेटा इसी बात पर मुंह मीठा करो। रुकिए। मुंह मीठा कराने चले हैं, थोड़ा इंतजार कीजिए। मैं आपकी बेटी से अकेले में कुछ बात करना चाहता हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा है भैया ने हाँ कैसे कर दी पापा? जब इंसान का बुरा वक्त आता है ना तो ऊंट पे बैठे इंसान को भी कुत्ता काट लेता है। हमें कुछ तो करना पड़ेगा।